हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो कैसे हैं, फटाफट कमेंट लिखिए। और कैसी चल रही है आप लोग के घर में दिवाली की क्लीनिंग? हमारे घर में भाई सब जगह ना सामान अभी फैला हुआ है, दिवाली का क्लीनिंग चल रहा है। साथ में जो भी सामान आ रहा है आप लोग के साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो आज शेयर करने वाले हैं ब्यूटीफुल सा तोरण, अपने घर में दिवाली में सजाने के लिए हम मंगाए हैं और दिखाते हैं आपको। इतना सारा ये तोरण है, ये देख रहे हैं, इसमें एक दो लटकन होगा, बाकी सब तोरण है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कौन सा तोरण आप लोग को सबसे अच्छा लग रहा है। और इस बार ना हम ना सब जगह के लिए ना अलग अलग तोरण नया मंगाए हैं, और बहुत सुंदर तोरण मेरे को लगा, सोचे आप लोग के साथ शेयर करते हैं। उसके साथ थोड़ा बहुत दिया वगैरह भी लेके आए हैं, कैंडल लेके आए हैं, वो सब भी शेयर करेंगे। बट ब्यूटीफुल सा तोरण आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, जो इस दिवाली में हमारे घर को चार चांद लगाने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, और जो भी आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन। और ये फर्स्ट नंबर में ये देखिए, प्लास्टिक से लूज देखिए पहले। ये मेरा सबसे बेस्ट तोरण है, जब हम ऑर्डर दे रहे थे तो ये मेरे को सबसे अच्छा लगा था। ये भाई लटकन क्यों गिर रहे हो? ये रहा ब्यूटीफुल सा तोरण। अभी सब एक एक करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लगाएंगे कहाँ वो आपको फिर दिवाली में देखने को मिलेगा। ये रहा, ये मेरे को जो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा, एक दो लटकन निकला है, पता नहीं कहाँ का निकला है, देखते हैं किधर का निकले हो भैया। अच्छा, ये बीच का एक लटकन निकला है, इसको सिलना होगा। एक इधर का भी निकला है, और ये देखो मस्त लग रहा है ना। ये जो चुंदरी, ये जो प्रिंट दिया हुआ है ना, ये बहुत अच्छा है। साथ में जो ये वाला है ना, ये लटकन, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा स्पेशली। ये है हमारा नंबर वन तोरण। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना आप लोग। और हर साल ना हम ना एक दो तोरण तो लेते ही लेते हैं हर बार। ये मस्त लग रहा है, लग रहा है जैसे ना पर्स उठा रहे हैं, ऐसे लग रहा है। चलिए ये है नंबर वन, इसको संभाल के रखते हैं। हाँ, इसको सिलना पड़ेगा। ये लटकन गिरा, ये साइड से ना दो लटकन निकला है, इसको लगाना पड़ेगा। चलिए नंबर टू, यहाँ पे ये रहा हमारा नंबर टू। नेक्स्ट टाइम ना उसमें ना एक पीला कलर का था, जिससे वो रेड है ना उसमें पीला था, वो एक और मेरे को मंगाना है। नेक्स्ट टाइम जब भी ऑर्डर देंगे अगले दिवाली में, तो एक पीला मंगाएंगे और इसका हम सोचें एक पीस और मंगाएंगे। ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ना पूरा फ्लावर फ्लावर है। और ये थोड़ा सा ना आपको यूनिक लगेगा। किधर गए भैया? हाँ, और ये देखिए, ये भी तोरण है, लेकिन ये साइड का तोरण है, जैसे इस गेट पे ऐसे ऐसे और ऐसे, ये दोनों गेट पे आप सजा सकते हैं। और ये इसका हुक है, और ये पैटर्न है इसका, ये अलग टाइप का तोरण है। जैसे हम क्या करते हैं ना, मेन गेट पे आम का पल्लो बीच में डालते हैं, और साइड मेरा खाली रहता है, तो साइड के लिए ये मंगाए। ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। ये थोड़ा सा ना न्यू स्टाइल, ऐसे भी आप लगा सकते हो कहीं पे, लेकिन इधर हुक नहीं है, बट ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब न्यू टाइप का ना तोरण लगा। कि साइड में कभी कभी क्या होता है ना, इसमें तोरण लग जाता है ना, तो साइड में ना पार्ट खाली रहता है, तो उसके लिए ना फिर मेरे को गेंदा वाला लड़ी वगैरह लगाना पड़ता है। तो ये आया है ना, तो ये लगाएंगे। ये बहुत सुंदर लग रहा है पूरा, इधर ये बैंगल है और ये पूरा फ्लावर है। इसका लुक देखो, पैटर्न पूरा फ्लावर है,
ये मेरे को एक और अच्छा लगा, ये थोड़ा सा यूनिक लगा। आप लोग भी फर्स्ट टाइम देखे होंगे मे भी, या फिर इससे पहले आपके पास होगा। मैंने तो फर्स्ट टाइम इस टाइप का देखा है भाई। साइड वाला देखते थे बट इस टाइप का नहीं देखते, एकदम प्रॉपर तोरण लग रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए एक और ब्यूटीफुल का तोरण आ गया, और ये देखो इसका पैकिंग मस्त लग रहा है। दिवाली से ना ये सब चीज से ही ना घर थोड़ा ना सुंदर दिखता है। ये दिख खोलने से पहले ही इतना प्यारा लग रहा है, सोचिए ना खोलेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। और ये रहा ये तोरा, ये भी मेरे को मतलब दोनों अच्छा है, और वो अलग ढंग का है, और ये देख रहे हो इतना प्यारा मिरर वर्क है पूरा इस पे, और ये पूरा झालर दिया हुआ है, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग कमेंट करना इसमें से तीनों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है, अब हम कंफ्यूज हो गए। जब ऑर्डर दे रहे थे ना वो मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा था, और फोटोज में ये वाला कम लग रहा था, लेकिन ये वाला भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी अच्छा लग रहा है बट ये वाला लग रहा है सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट जाएगा हमारे मंदिर में, समझे। चलिए तो इसमें से कौन सा तोरण आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब है शायद दो लटकन होगा वो दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आया है लटकन। ये रहा जिसको आप वॉल वगैरह पे विंडो पे कहीं भी लगा सकते हो। ये भी अच्छा है ना, थ्री पीस का बैंगल है, बीच में बेल है, और ये पोम पोम और मोती के साथ है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा है, मल्टी कलर टाइप का है, ग्रीन येलो और रेड का कॉम्बिनेशन है, तो अच्छा लग रहा है। ये है उसके बाद ओ भाई इसके साथ ये एक और है, तो मतलब टोटल इसका कितना पीस है पता है। ये आपको हो गया दो पीस, एक और है इसका, छह का सेट हम मंगाए हैं। कहाँ गया इसका, हाँ ये वाला ना पैटर्न हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, फाइनली जाके मेरे को मिला इस बार। इसका आया है छह का सेट, ये कहाँ लगाएंगे अभी आइडिया नहीं है, देखते हैं, क्योंकि अभी तक ना मेरे को डेकोरेशन समझ में ही नहीं आया कि करना कैसे है। सामान तो आ गया है लेकिन करना कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है। ये रहा इसका छह का सेट आया है, ये कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये और अभी एक फ्लावर सेट है वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, पूरा लरी गेंदा का जो लरी होता है ना वो भी आया है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उसका ना दो पांच पीस हम अमेजन पे दिए हैं अभी, तो वो आ जाएगा तो फिर साथ में सबको शेयर करेंगे। ये रहा तो चलिए, और एक चीज और है, ये हमारा एक ये भी लटकन होगा। ये है चार का सेट, देखना इसका लेंस ना बहुत अच्छा है, इसका लेंस देखना, मैं इस पे चलूंगी तब आप लोगों को पता चलेगा। देखिए इसका लेंस देखिए, ये देख रहे हैं ये, और नीचे इस टाइप का दिया हुआ है,
मेरे पास इतना वाला है, ये था इतना इतना वाला ना, ये वाला पैटर्न है मेरे पास सिंगल सिंगल, और ये था कि बड़ा वाला मिल लेना है क्योंकि साइड वाइड में लगाने के लिए, मेन डोर पे साइड में लगाने के लिए चौखट पे ये चाहिए तोरण के बगल में, तो ये वाला भी मंगाए हैं। या फिर आपको ये कहीं भी लटका सकते हो विंडो वगैरह पे या डोर पे, लेकिन मेरे को ना ये वाला पार्ट ना साइड साइड या तो यहाँ का पैटर्न सोचेंगे कि क्या करना है, तो वो अभी देखते हैं, क्योंकि कहीं भी पैटर्न करने के लिए ना आपके पास ना 10-15 लड़ी होना चाहिए, उसके बाद होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कहाँ करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा तोरण और दो लटकन हो गया। अब क्या लेके आए हैं, ये लेके आए हैं यहाँ पे एक फोटो फ्रेम, ये देखें इसमें जाएगा हमारा ब्यूटीफुल सा फोटो जो हमने ऑर्डर दिया था जिसमें गौ माता थी मंदिर, वो जाएगा। तो इसमें करके आपको दिवाली में लुक मिलेगा इसको दिखने के लिए। ये लेके आए, ये मेरे को पड़ा 15 यूरो का ये, और इसका साइज है 50x70। इसका ना ये वाला जो है ना वुडन वाला, ये बहुत अच्छा पैटर्न लगा ये वाला पैटर्न। एक ये आया है, चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब है, अब मामा बच गया, इसको इधर रखते हैं। नेक्स्ट आया है ये हमारा कैंडल, भाई कैंडल तो हम नहीं 6 पीस में, एक पीस यहाँ है। ओह माय गॉड, मिस हो गया 6 पीस और 2-4 पीस इधर है, तो टोटल हो गया मेरा 8 पीस आया है। वही तो हम सोचे थे कि हम ऑर्डर दिए थे, ये देखो 2 पीस इधर था, तो टोटल ये हमारा हो गया 8 पीस। आप अच्छे से डॉक्टर डेकोरेशन हो सकता है इसका, कहेंगे 8 का सेट आया है। अब ठीक है, वही तो मेरे को लग रहा था कि 6 तो नहीं दिए थे, फिर इस बॉक्स वन में रखे हुए थे, ये देखे, तो टोटल 8 पीस आया है इसका। ये ना मतलब छोटा है, लेकिन ये जो सब दे दिया ना लटकन, इससे ना बहुत बड़ा लगता है, डेकोरेशन करने में अच्छा लगेगा कहीं भी वॉल पे ना। चलिए ये तो हो गया, तो भैया 6 नहीं 8 पीस है, गलती हो गया मेरे से। हाँ नेक्स्ट है, ये कैंडल लेके आए हैं, ये है आपका 40-40 पीस का जो मेरे को पड़ा 3.5 यूरो में, ये 3 पीस कैंडल। उसके बाद हाँ एक कैंडल लेके आए हैं, वो दिखाते हैं आपको, ये देखो ये है कैंडल बड़ा वाला, ये देख रहे हैं। इसका 2 पीस लेके आए हैं, एक कलर में ग्रीन में और नाउ सेकेंड कलर ये, तो 2 पीस लेके आए हैं। मेरे को ना इतना अच्छा लगा ना ये वाला, और थोड़ा सा ऑफर में भी दे रहा था, तो ये अच्छा लगा था, हम ये लेके आए। फर्स्ट टाइम हम इतना बड़ा कैंडल लेके आए, झाझी देखेंगे ना तो पीटेंगे भी। मैंने कि ये देखते हैं कि ये नीचे बॉटम में कुछ नहीं, किसी भी चीज पे रख के जलाना होगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि मेल्ट होके नीचे कहीं गिरने लगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे छोटा वाला 2 कैंडल, उसके बाद 2 ग्रीन छोटा वाला ये कैंडल, ये सब लेके आए हैं, और प्लस ये लेके आए हैं लाइट ये। और इस लाइट की खासियत बताते हैं, ये रिचार्जेबल है, इसको आप लगा दो और इसमें ना आप रिचार्ज कर सकते हो, जैसे बैटरी वाला होता है ना इसी तरह, ये चार्जर वाला सी टाइप का है, और इसको निकालिए चार्ज करके फिर लगा दीजिए। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, बैटरी वाला से ज़्यादा पावर इसमें रहता है, लाइट अच्छा रहता है, एक बार चार्ज कर दीजिएगा 2 दिन तक आराम से चलता है। लास्ट दिवाली में हम 1 पीस लेके आए थे, मेरे को इतना अच्छा लगा ना, उसके बाद फिर मेरे को मिला नहीं, अब फाइनली अब जाके फिर मिला है। ये इसका हम 3 पीस लेके आए हैं, और लास्ट दिवाली में 1 पीस रखा हुआ, 4 पीस है टोटल। तो इसको कहाँ लगाएंगे वो दिखाएंगे आपको। लास्ट टाइम लाए थे हमको इतना अच्छा लगा ना, कि हम खोज रहे थे बहुत दिन से कि ये मिलेगा, तो फाइनली लकली कहिए तो ये मिल गया। तो चलिए ये रहा आज का शॉपिंग हमारा,
और कौन सा तोरण आप लोगों को अच्छा लगा फटाफट कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग ना कहाँ कहाँ लगाएंगे वो दिवाली वाला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको दिवाली वाले ब्लॉग में बहुत कुछ चेंज लगेगा। घर में न्यू डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें से कोई भी तोरण अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके लिखिए। और आपने यहाँ पे अमेजन पे ना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना गेंदा वाला जो लड़ी होता है वो कहाँ मिलेगा, तो अमेजन पे अभी आप ऑर्डर दोगे ना तो आ जाएगा। अमेजन पे थोड़ा कॉस्टली देता है बट आ जाता है। और दो सामान तो मेरा इंडिया से है, तो अभी मेरे जो फ्रेंड आए थे ना वो मेरे लिए बहुत सारा सामान लेके आए हैं। और अभी भी एक बताया ना, एक अमेजन से अभी आ रहा है, बाकी सब हमारा इंडिया से आ चुका है। वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बहुत सारा गेंदा का लड़ी आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही था, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। कैसा लगा हमारा आज का ये दिवाली शॉपिंग ब्लॉग और कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर फॉलो करते रहिए।